बनु अब्बास का जमाना, साहिबान ईमान आ रहे का मौला, खाली अपना मरना भी आसान होता, घर की खवातीन के ऊपर जिस वक्त उनकी इज्जत और नामूस पे बात आन बने तो कितना मुश्किल होता, जो सद्दाम के दौर में हमने देखा इराक में क्या होता था। तो इमाम से पूछा गया, मौला अब कोई खास ऐसी चीज हमें बताई, अपनी जान, घर की औरतों की नामूस और माल की सलाम, क्योंकि काफिर का माल माल गनीमत है। यूं किसी से कहिए किसी का माल चोरी करो डाका डालो, एक शरीफ आदमी घबरा जाए, माल गनीमत तो बड़े एहतराम के साथ दिया जाएगा कि अल्लाह ने हमें तोहफा दिलवाया। इमाम ने जो इसका हल बताया वो यह है, कहा जब किसी इलाके के ऐसे हालात हो जाए कि घर से निकलने वाले को यह पता ना चले कि मैं शाम को घर आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, तो घर से निकलते वक्त हमारे दादा को सलाम करके निकले, घर की चौखट पर आखिरी काम जियारत करो फिर घर से बाहर निकलो। यानी जो एक आवाम का जुमला है, मफहूम इमाम का है, अल्फाज इमाम के नहीं, जब तक घर से बाहर रहोगे गोया ये जियारत वारिसा, इसने तुम्हें गिरवी रखा, ये तुम्हारी हिफाजत कर रही है, तुम्हें सलामती के साथ घर में लेके आएगी। एक उस वक्त दुरूद भेजे मोहम्मद वाले, और एक मर्तबा चौथी बात आ गई। अब देखिए ये जियारत वारिसा के हवाले से तरतीब आगे बढ़ रही है, जाने वाले जायर ने सवाल किया, वो एक हदीस कि कई सालों के बाद मुसलसल काफिला जियारत देख के तड़प उठने वाले ने अपनी महरूमी पे सवाल किया, घर में से पढ़ो, फिर किसी ने आके ये हदीस आ रही है सातवें और आठवें इमाम के जमाने की, जानो माल के लिए सवाल किया ये अलग, फिर एक आखिरी सवाल, ये जियारत वारिसा की एक तारीख है सरसरी से, और वो ये कि किसी ने फिर ये एक सवाल किया एक आदमी ने कि मौला हालात बड़े अजीब, अब ये वो वाला मसला नहीं कि दुश्मनान अहले बैत से खतरा, बरकत नहीं है पैसे में, मौला मेहनत बहुत करता हूं, कोशिश बहुत करता हूं, कारोबार नहीं चल पाता, कुछ चीजें इंसान के अख्तियार से बाहर होती, और वाकई कारोबार के अंदर इतना रिस्क है कि जिसकी वजह से लोग जुए की तरफ जाते हैं, ऐसी स्कीमों में पैसा लगवाना जिसमें कोई रिस्क ना हो, ऐसे शेयर्स खरीदना जिसमें कोई रिस्क ना हो, और इस्लाम के मिजाज के खिलाफ है, वो जुआ है ये कारोबार, वो हराम है ये हालात, उससे अल्लाह नाराज है, इससे अल्लाह इतना खुश है कि इसे सुन्नत अंबिया करार दी। जिस कारोबार में रिस्क होता है उसी के बारे में कहा गया, रिस्क खतरा उसी के बारे में कहा गया कि बरकत के 9 हिस्से अल्लाह ने तिजारत में रखे, एक हिस्सा मुलाजिमत में रखा है। अब रावी ने आके कहा लेकिन मौला वो बरकत मिल नहीं रही, कोशिश मेहनत इसमें कोई कमी नहीं, बात चीजें अपने अख्तियार में नहीं होती। उस वक्त इस्लाम ने एक अलग से एक बात बताई कि जब ऐसा मसला हो तो पहले चेक करो कि कहीं तुम्हारे यहां कोई हराम और गुनाह तो नहीं आ रहा, हराम और गुनाह बरकत उड़ाने वाली चीज है चाहे कोई माने कि ना माने, और अगर वो कुछ ना हो तो फिर ये रिवायत मौला क्या किया जाए। इमाम ने वही जवाब दिया, जिस वक्त घर से बाहर निकल रहे अपने रोजगार पे जाने के लिए आखिरी काम जो करो वो मेरे जद की जियारत पढ़ो और फिर जाओ, और ये जियारत पढ़ के जाके दुकान खोलो फिर देखो अल्लाह तुम्हें कैसी बरकत देता। इसी के अंदर वो जुमला, जिंदगी में तुम्हारा हाथ कभी पैसे से खाली ना रहे, बरकत वाले पैसे से, लफ्ज बरकत जहन में रखिए। दो दफा मैंने ये कहा, इसके हवाले से एक बात करना है आइंदा, तो वो खवातीन के सवाल का जवाब है उसके बाद। अच्छा अब मैं एक बात ये बता दूं कि कराची के उन हालात मैंने खुद भी इस पर अमल किया और बहुत सारे साहिबाने ईमान को बताया। अभी पंजाब के हालात बड़े नाजुक हुए थे, 3-4 जगहों से मेरे पास फोन आए और वहां पे मैंने ये बात बताई थी, तो बाद में उनके फोन शुक्रिया किया कि वाकई हमने इसके फायदे को देखा जान के हवाले से और माल के हवाले से। तो मसलन 2 साल पहले लाहौर हर साल मैं दूसरा अशरा पढ़ने जाता हूं, हर एक को मालूम, तो वहां पे सुबह की एक मजलिस होती है मैकलो रोड पर, 5 मजलिसें वो होती है, सुबह सुबह 6:30 का वक्त होता, उसमें ये बात इत्तेफाकन आ गई। उस वक्त कराची के हालात बड़े खराब थे, उसमें ये जियारत वारिसा का जिक्र आ गया। असल में ये जिक्र आया था खुमस के हवाले से, जियारत पे जाने की एक शर्त है कि खुमस निकालो अपने माल का, उसमें फिर ये सारी बातें आ गई और ये बात भी आ गई थी माल की बरकत। तीसरे दिन एक साहब बड़ी खुशी के आलम में आए और फूलों का एक हार लेकर अय्याम-ए-अज़म और मिठाई का डिब्बा लेकर,
और अभी दसवां भी नहीं हुआ था इमाम का। मैंने समझाया, उनकी समझ में बात आ गई। उन्होंने कहा हमने दूसरे अंदाज से सोचा था। और खुशी किस बात की, कहा कि मौलाना दो साल से ये शाह आलमी में मेरी दुकान है, लाहौर की एक बहुत मशहूर मार्केट है, और बस दो साल ऐसे थे कि जैसे फटी हुई जेब में पैसे डाल लिया, पैसे में पैसे लगा रहा हूं, मकान बेचा, बीवी का जेवर बेचा, कर्जे लिए, और पता नहीं सब कहां जा रहा। और अब ये हालत थी, परसों के दिन जब मैं आपकी मजलिस में आया था, तो या तो मुझे खुदकुशी करना थी या मुझे लाहौर से भागना था। इसलिए कि लोग तो मसला शरीय को नहीं जानते कि अगर कोई आदमी वाकई कर्जा वापिस करने के काबिल ना रहे तो उससे कर्जा मांगना हराम। हां ये दूसरी बात कि पहले आप उससे प्रूफ मांगेंगे, कैसे पता चला कि वाकई तुम इस काबिल नहीं, वरना तो हर आदमी कहेगा मैं इस काबिल नहीं। लेकिन अगर वो साबित कर दे तो जिसको आपने कर्जा दिया उससे वापस मांगना हराम और गुना, ये एक मसला है इस्लाम। लेकिन दोनों पहलुओं का ख्याल करते हुए तुम साबित कर दो किसी तरह, और साबित किया जाता है मुश्तहिद या उसके वकील की अदालत में, वो साबित कर दे फिर आप नहीं मांग सकते। गुना हराम, मांगा उसने कहीं से लाके दे दिया, ये पैसा रिस्क हराम है। आप कहें ये कैसे रिस्क हराम, हमने 10,000 उसको दिए थे, हमारे 10,000 मिले, कभी अपना पैसा वापस मिलना रिस्क हराम हो जाता। जैसे आपका मकान है, आपने किराए पे दे दिया, अब जितने अरसे का किराया नाम है, अगर आप जबरदस्ती घुस के वहां 2 रकत नमाज पढ़ेंगे, आपके मकान में आपकी नमाज गलत, हराम है, बातिल है दोबारा पढ़ना। उसी तरह का ये बहुत ही अहम मसला, मांगना हराम है अपना माल। और जैसा मैंने कहा, इससे ज्यादा खतरनाक इसके बाद का जुमला, आपने मांगा वो शरीफ आदमी था, इज्जत वाला था, डर गया वो, और उसने कहीं से इंतजाम करके दे दिया, आपके लिए ये हलाल नहीं हुआ। लेकिन वही एक बात कि पहले वो साबित कर दे, वरना ये मसला अगर कहा जाए। अच्छा, और इसीलिए रिवायत ये है, रिवायत ही नहीं मसला भी है कि सदका कितनी अहम चीज है, का कर्जे का सवाब सदके से 18 गुना ज्यादा होता है। कर्जा देना ज्यादा बेहतर है सदका देने से, सवाब के एतबार से, सवाब के एतबार से, क्योंकि इसमें रिस्क का इन्वॉल्वमेंट है। सदका तो आप यही सोच के देते चला गया, इसीलिए उसकी रकम हमेशा छोटी होगी। कर्जे में इतना सवाब मिलता है, उसका एक रीजन ये भी बताया गया कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, हो सकता है आपको वापस ना मिले। तो वो वाला कर्जा जिसमें आपका मैं तो किसी तरह हलक में उंगलियां डाल के निकलवा लूंगा, ये हराम और गुना है। बात कहीं से कहीं तो हालात, मसला शरीय अपनी जगह, हालात तो ऐसे ना था, या तो मैं खुदकुशी कर लेने वाला था और या फिर मैं भाग जाने वाला। लेकिन उस दिन घर से निकल चुका था, आधे रास्ते में था, यानी मजलिस आ गए, मजलिस से सीधा दुकान जाना था। मैंने कहा यहीं से पढ़ के चलो जिया, और 2 दिन के अंदर अंदर एक ऐसा इंकलाब आ गया कि मुझे खुद यकीन नहीं आता मेरे मसले हल नहीं हुए। लेकिन इतनी तेजी के साथ तब्दीली हुई कि अब मुझे अपने सर्वाइव होने का यकीन हो गया। और वाकई हर साल वो बेचारे बड़ी अकीदत से उस मजलिस में आते हैं और बताते हैं कि रोज बरोज उनकी हालत अच्छी हो रही है। ये वाकया कराची में भी मैंने 2-4 जगह पढ़ा, और यहां 100 में से 100 ये तो नामुमकिन है, लेकिन जहां भी पढ़ा गया 90% ने यही कहा कि इससे फायदा जरूर हुआ। जियारत वारिसा, अच्छा अब जियारत वारिसा इतनी फजीलत के बाद एक आखिरी बात और सुन ली, इस बात की वजाहत जरूरी है आखिरी बात की, लेकिन अगर वजाहत का मौका ना मिला तब भी बगैर वजाहत के भी एक मुकम्मल पैगाम। जियारत वारिसा अब इस्लाम जो इतना ज्यादा अहम बना रहा है, अहम मानने वालों को भी इसकी अहमियत बताई जा रही है, जब अपना जाती फायदा शामिल हो जाए तो चीज ज्यादा अहम लगने लगती है, लोग खुमस नहीं देते। लेकिन अगर आप बता दीजिए कि सदका करो तो अल्लाह तुम्हें बरकत देगा, सदका लोग दे देते, लोग वाजिब नमाजें नहीं पढ़ते, इम्तिहान पास होने या रिस्क की बरकत की 2 रकत नमाज बताइए वो जरूर पढ़ते, वो वाजिब छोड़ के ये क्यों पढ़ रहे। लोग वाजिब रोजे नहीं रखते, सुन्नती रोजे रखते हैं, जो वहां तो है भी बातें, फकत इसलिए कि वो इबादत अच्छी लगती है जिसमें अपना कोई फायदा। वाजिब इबादतों में तो तसव्वुर यह है कि वो तो सूखी सूखी इबादत है, उसमें क्या मिलता है। हाँ अगर रिस्क की इबादत है 2 रकत नमाज, इसमें फायदा। वाजिब रोजे में क्या है, कुछ भी नहीं। खदीर के रोजे का इतना सवाब बताया, असल चीज वो सवाब। लेकिन अगर ये एक नफसियाती नुकता, लेकिन ये गलत ख्याल है फिर भी नफसियाती नुकता, यहां भी यही बात। जियारत वारिसा जिसे अहले बैत से मोहब्बत है उसके लिए तो वाकान ये वाजिब से बढ़ गई, और जो उस हवाले से ना आए तो अपनी दौलत तो हरेक को प्यारी है इस हवाले से लाया गया, जो
दौलत के हवाले से ना है, बच्चों की जान, खानदान की औरतों की नामूस, अपनी जान, ये तो हर एक को प्यारी। ऐसा लग रहा मुख्तलिफ तरीके से घेर के हमें लाया जा रहा कि जियारत पढ़ो। क्यों? अगर अकीदे की बुनियाद है तो वो बता दें। जियारत वारिसा पढ़ना ऐसा जैसे तुम डायरेक्ट अपने इमाम से बात कर रहे थे, बराह रास्त उनसे बात कर रहे हो, उनको सलाम कर रहे हो। सलाम शरी वो है कि जहां पे आप अपनी बात पहुंचा सकें। और फिर जियारत पे जो, इसका मतलब ये है कि जियारत पढ़ते वक्त कम अज कम इस वक्त तुम इमाम के इतना करीब हो जैसे आमने सामने बैठे हो। जैसे नमाज के लिए कहा जाता है वो फिर एक अलग मजलिस, वही जियारत। जिसके लिए, जिसके पास ईमान है मैं उसके लिए यही जुमला काफी, और जिसको जरा मादियत चाहिए उसके लिए वो दो जुमले। मगर दोनों का खुलासा है कि जियारत वारिसा पढ़वाना। अच्छा, आप कभी इस हवाले से देखिए कि जियारत वारिसा अगर पढ़वाना तो इसमें क्या पैगाम है कि अल्लाह चाहता है हम सुने। जैसे आज का पहला जुमला क्या आया था आज के दर्स का, कुरान ने सूरह यूसुफ को अहसनुल कसस क्यों कहा? इसलिए कि उसमें 32 हमारे अमली जिंदगी के पैगाम थे। का अहसनुल कसस कहो, हर आदमी पढ़ेगा। एक आम सा वाकया कहो, कोई नहीं पढ़ेगा। इसी तरीके से आखिरी जुमला ही जियारत वारिसा का आम हुक्म आता तो बहुत सी ऐसी जियारतें नहीं। जब इतने सारे तरगीबात, आजकल ये लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है इंसेंटिव, गोल्डन शेक के हवाले से इतने सारे इंसेंटिव डाल दिए इस्लाम ने कि अब जियारत पढ़ेंगे। यकीनन इस जियारत के अंदर कोई ऐसा पैगाम अब वाकत। अगर जियारत वारिसा का तर्जमा ही हम समझ लें, हमारी कौम में होने वाली बहुत सी इल्मी और मजहबी बहसें खत्म हो जाए। इस जियारत वारिसा एक तरफ जहां फजाइल हुसैन बताए गए, पहचानो हुसैन को, हुसैन है कौन, वहां दूसरी जानब मकसद हुसैन भी बताया गया। क्या है मकसद, क्यों गए थे करबला? अशहदु अन्नका कद अक़मत अस्सलात व आतैत अज़्ज़कात व अमरत बिल मारूफ व नहैत अनिल मुनकर, एक मुकम्मल पैगाम। तीसरी तरफ इस जियारत में यह पैगाम भी दिया गया क्या, एक इमाम आने वाला है उसका इंतजार करना। अन्नी बेकुम मोमिन व बेइया बेकुम मोमिन, मुझे आप पर ईमान है और आपकी वापसी पर यकीन है। और चौथी तरफ इस जियारत में यह बताया गया कि हुसैन का और हुसैन के मानने वाले का रिश्ता क्या। आज मुझे सिर्फ ये जुमला लेके वजाहत करना थी, लेकिन न वजाहत का वक्त न सही, खाली जुमले का तर्जुमा सुने। और बहुत अहम है ये जुमला, इसलिए कि इस जुमले से पहले खुदा ने हमसे ऐसी कसमें खिलवाई, इन कसम तो नहीं लेकिन ये जुमला सुने। अश व उशहदुल्लाह व मलाइकतहु व अंबियाअहु व रुसुलहु, मैं गवाह बनाता हूं अल्लाह को इस अकीदे पे जो आ रहा, मैं गवाह बनाता हूं सारे अंबिया, मैं गवाह बनाता हूं सारे रसूलों, मैं गवाह बनाता हूं सारे मलाइका। आपसे कहा जा रहा है गवाह बना, ये कोई मामूली बात नहीं, अल्लाह को आप गवाह बना रहे। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई ब्लैंक चेक आपके सामने रखे गए, साइन कर दो, आप घबरा के पूछेंगे किस पे साइन करूं, बताओ तो सही रकम क्या। ये ऐसा ही है कि जैसे कोई कोर्ट पेपर लाके रख दे ब्लैंक का, इस पे साइन कर दो, इसका मजमून हम खुद भरेंगे। आप कभी तैयार नहीं हो, कभी आप तैयार नहीं हो। एक ज्यादा से ज्यादा उससे आपकी एक जायदाद जाने का डर, उसमें आप एहतियात करेंगे नहीं, ब्लैंक पेपर पे कैसे साइन। और यहां आप क्या कह रहे हैं कि गोया ब्लैंक पेपर पे साइन कर रहे हैं। अगर आपने वो अगला जुमला नहीं समझा, मैं अल्लाह को गवाह बना रहा हूं, भाई किस मसले पर, पता है आपको किस बात पर आप अल्लाह को गवाह बना रहे हैं। और देखिए लगा ऐसा इस्लाम इतनी तरकीब देना चाहता कि हम ये जुमला जरूर पढ़। कहा सुनो 1,24,000 अंबिया को गवाह बनाओ। अरे पहले पता तो चले हम किस चीज पे गवाह बना रहे, कभी कोई रुका, कोई ठिटका, किसी ने सोचा, किसी ने गौर किया कि हम क्या थे। और फिर आगे जुमला आगे, कल्बी ले कल्बे कुम सिलमुन व अमरी ले अमरे कुन मुत्तबे उन, ये है जुमला जिसके लिए आपने गवाह बनाया। दो जुमले, एक तो वही जो पहले गुजर गया, मैं आपकी वापसी रजत पे यकीन रखता हूं कि एक दिन आप सब अहले बैत आएंगे, और दूसरा ये जुमला। लेकिन गवाह तो बना लिया अल्लाह को, गवाह तो बना लिया चारदा मासूमीन, 1,24,000 अंबिया, समझ में आया किस बात पे गवाह बनाया। कल्बी ले कल्बे कुम सिल्म, मौला मेरा दिल आपके दिल के साथ, ये तो यकीन। मोमिन उसकी हर सांस का सिलसिला आले मोहम्मद से मिला, उनका नाम सुन के जीते हैं, उनके नाम पे अपने आप को मौत के हवाले कर देते हैं। लेकिन अगला जुमला, आप झूठ तो नहीं कह रहे होंगे, क्योंकि तो आपने अल्लाह को गवाह बनाया, अल्लाह का नाम सुन के तो फाजे को फाजे भी कांप उठता। अमरे ले अमरे कुन मुत्तबे, मौला
मेरी जिंदगी का एक एक काम वैसा ही है जैसे आपकी जिंदगी का काम, जो मैं करता हूं खुदा को गवाह बना के कहता हूं मैं आपकी जिंदगी को फॉलो करूं। वो पहला जुमला है मेरा दिल आपकी मोहब्बत से मामूर, ये दूसरा जुमला दिल की बात नहीं हाथ पैरों की बात, मौला मैं हर वो काम करता हूं जो आप करते हैं, मेरी सारी जिंदगी बस आपकी जिंदगी की एक दखल है। तकरार इंसान अपने आप से पूछे, ये किसी मुश्तहद और मर्जी वाइज और खतीब मुबल्लिग और जाकिर के हर हल करने का मसला नहीं है कि हमारी जिंदगी क्या। हर आदमी पूछे क्या हमारे घर में बिल्कुल वो निजाम है जो हुसैन के घर में, और अगर बिल्कुल वो नहीं है तो आपने तो अल्लाह को गवाह बना के ये कहा, आपने तो अंबिया को गवाह बना के ये कहा। लेकिन बात ये नहीं है कि खुदा ये बताना चाह रहा तुम झूठ, बात यह कि अल्लाह चाहता है तुमको ऐसा बनना। चुनाचे ऐसे गवाहों को रखा ताकि जहन हमारा जरा हिले, सोचे तो सही हम क्या कह रहे हैं। ये जियारत है वारिसा, मोहब्बत के हवाले से पढ़वाई गई, जान के हवाले से पढ़वाई गई, रोजगार की सलामती के हवाले से पढ़वाई गई, और जब पढ़वा ली गई तो हमें बताया अल्लाह तुम्हें कैसा देखना चाहता है, इमाम तुम्हें कैसा देखना। और कब ये कह रहे हैं, देखिए एक अजीब बात ये, इसके अंदर अल्लाह गवाह बने, मलाइका बने, अंबिया बने, अइम्मा गवाह न बने, वो नहीं बने जो सबसे अहम है अल्लाह के बाद। वजह क्या, वही जो भी जुमला कहेंगे, अइम्मा तो इसलिए नहीं बने कि आप तो खुद उनके सामने इतना करीब हैं कि उनसे बात कर रहे हैं, खुद उनसे बात कर रहे हैं। जब किसी से बात की जाती है तो गवाह हमेशा बनाया जाता है तीसरे को, जियारत खुद डायरेक्ट आप हुसैन मजलूम से बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मौला मेरी जिंदगी आपकी जिंदगी के मुताबिक है, और पूछ लीजिए अल्लाह से, अल्लाह गवाही देगा। कि आपका एक मुकालिमा, एक डायलॉग है इमाम मासूम से, हुसैन मजलूम के सामने जाकर इतनी गलत बयान। अब इसके बाद दो जुमलों में से एक आपकी जबान पे आ सकता, मुझे याद है दो साल पहले मैंने इससे मिलती जुलती एक बात कही थी, तकरार हो गई तो कोई हर्ज नहीं, और वो यह है कि इसके बाद दो जुमलों में से एक आपकी जबान पे आ सकता, या तो आप कहेंगे अच्छा यह है जियारत के बारे में, अब तो मरते मर जाऊंगा कभी ये नहीं पढ़ूंगा, वो या आपने पूरे मकसद में पानी फेर दिया, और यह आप कहें अच्छा जियारत वारिसा हमें ऐसा बनाना चाहती, कल से हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना बन सकते हैं वो बन। अब इनमें से एक यजीदी फिक्र है, एक हुसैनी फिक्र है, वो आपको खुद समझ जाना, लेकिन अमरी ले अमरे कुल मुत्तबे, ख्वाहिश है इस्लाम ये है कि तुम ऐसा बन, कि तुम्हारी जिंदगी को देख फख्र से कहा जा सके कि हुसैन की जिंदगी देखना है, इस हुसैनी की जिंदगी देखनी, ये अपने हर अमल में जहां तक इसके बस में है कोशिश करता। अमरी ले अमरे कुन मुत्तबे, ये आप हुसैन मजलूम से कह रहे हैं, और शुरू में ये कह चुके हैं कि मौला मुझे पता कि आप बहुत मजलूम, सार अल्लाह है वबना सारे वल वित्र अल मौतू, आपके खून का अब तक बदला नहीं लिया गया, मौला मुझे मालूम है वल वित्र अल मौतू, इसका तर्जमा क्या, आपको अकेला छोड़ दिया, कायनात की इतनी अजीम शख्सियत का आपको मुसलमानों ने अकेला छोड़ दिया, किसी ने आपका साथ नहीं दिया, वल वित्र, अरबी में वित्र कहते हैं अकेले, नमाज शब की आखिरी रकत भी इसीलिए वित्र कहलाती है, वो एक रकत है, वल वित्र अल मौतू, खून का इंतकाम बाकी, आप बहुत मजलूम, ये सब जियारत में कहा गया, आपके खून का बदला किसी को लेना, आप तन्हा रहे, लेकिन हुसैन पर जितने भी मजालिम बशमूल हुसैन की तन्हाई, ये सब करबला में शुरू नहीं हुए हैं। हमारे उलमा ने एक जुमला कहा जिसे मैं बहुत संभल के कह रहा हूं, बल्कि एक लफ्ज बदल भी रहा हूं, कलाम उलमा है इसलिए इख्तियार है, कलाम इमाम में तो इख्तियार नहीं, कोतिल अल हुसैन बिल मदीना, इस धोखे में ना रहना कि हुसैन 61 हिजरी की करबला में शहीद किए गए, हुसैन की शहादत तो कई साल पहले मदीने में हो गई थी, अगर उस वक्त अहले मदीना इतने बेहिस न होते, अगर अहले बैत पर पहला जुल्म करने वाले का हाथ वहीं पकड़ लिया जाता तो बात कभी वहां तक ना पहुंचती। जालिम को ताकत मिलती है लोगों की खामोशी से, करबला में वाकयात की तकरार है लेकिन वाकयात का आगाज बहुत पहले हो गया था। अगर हम आशूर की सेपहर खेमे जलते नजर आए तो ये आग उस दिन की लगाई हुई नहीं थी,
یہ آگ تو اصل میں اس دن لگائی گئی تھی جس دن خانہ زہرا کو نظر آتش کیا گیا تھا. اگر ہمیں عاشور کے دن 6 مہینے کا ننا علی اصغر شہید ہوتے نظر آیا تو اصل میں یہ شہادت آخری حصہ ہے محسن کی شہادت کے جو 4 مہینے میں دنیا سے رخصت کر دیا گیا. اگر ہمیں کربلا سے شام تک حسین کی بہن زینب حسین کے بیٹے سجاد کی کمر پہ مسلسل کوڑے لگتے نظر آئے تو یہ سب کے سب بنیاد بنتا ہے وہ ایک کوڑا جو خاتون جنت فاطمہ زہرا کی کمر پہ مارا گیا. اگر ہمیں عابد بیمار کے گلے میں توق ہاتھ میں ہتھکڑی پاؤں میں بیڑی 1 سال تک نظر آئی تو اصل میں اس کا سلسلہ شروع ہوا اس رسی سے جو پہلے میرے مولا کے گلے میں باندھ کے بازار مدینہ میں گھمایا گیا تھا. کاش کاش وہاں پہ ہاتھ روک لیا جاتا تو یہ سب نہ ہوتا. اور ایک بات اور سن لی, اہل بیت کا ظلم, اہل بیت پر ہونے والا ظلم خالی جسمانی ظلم نہیں تھا, جسمانی ظلم میں کم تکلیف ہوتی ہے, ایسے ظلم تھے کہ اندر سے اہل بیت کو کھلا دیا ان مظالم. جوانی میں بڑھاپا کوڑے کھانے سے نہیں آتا, یہ وہ جو کلیجہ انسان کا جلتا ہے جو دل پہ اس کے کیفیت گزرتی ہے. السلام علی الحسین.